हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शीयर ड्राई टच सन ब्लॉक लोशन का रिव्यू कर रही हूँ। दिस इज अ सनस्क्रीन एंड मैं आपको बता देती हूँ, ये है एसपीएफ 50 के साथ, हेलियोप्लेक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए यूवीबी पीए ट्रिपल प्लस, आप देख सकते हैं। एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी है 88 ml, मैंने बड़ी पैकेजिंग ली है। एंड दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड वाटर रेसिस्टेंट प्रोडक्ट। सो दिस इज द आउटर पैकेजिंग एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक प्लास्टिक की पैकेजिंग है, इस तरीके से आई है। और मैंने इसे नायका से लिया था तो ये मुझे 431 रुपए का पड़ा था। वैसे इसकी जो MRP है वो 540 रुपीज है, आई थिंक यस। और ये 549 का था बट ये मुझे 413 में पड़ा। और अभी इसका प्राइस आफ्टर GST 514 रुपए हो गया है। एंड आप इसकी छोटी पैकेजिंग भी ले सकते हैं, इस तरीके की पैकेजिंग में आएगा और आपको ये बिग बाज़ार में भी मिल जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस इज़ वाटर रेसिस्टेंट, स्वेट रेसिस्टेंट एंड रेसिस्ट रब ऑफ, नॉन कोमेडोजेनिक एंड वोंट क्लॉग पोर्स एंड ऑयल फ्री एंड PA BA फ्री है ये। डायरेक्शंस है इसके, अप्लाई लिबरली ऑन बॉडी 15 to 30 मिनट बिफोर सन एक्सपोजर, धूप में जाने से आधा घंटा पहले आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यू नो स्पेशली फॉर मेंटेन प्रोटेक्शन मेंटेन के लिए, स्पेशली आफ्टर स्वेटिंग, स्विमिंग, टॉवल ड्राइंग और एक्सटेंडेड सन एक्सपोजर से ये आपको बचाएगा। एंड नॉट टू बी स्वालोड, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आईज, ओके, इसके लिए वार्निंग लिखी हुई है, आंखों में, आंखों के आसपास ना लगाएं। जी हाँ, आंखों के आसपास ना लगाएं। एंड इसमें इंग्रेडिएंट बाकी सारे चीज़ें लिखे हुए हैं, एंड बच्चों से दूर रखें, ब्ला ब्ला ब्ला। सो न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शीयर ड्राई टच सन ब्लॉक SPF 50 प्लस PA ट्रिपल प्लस इज अ ब्रेक थ्रू इज सन प्रोटेक्शन स्टेबलाइज विद हेलियो प्लेक्स, इट प्रोवाइड्स सुपीरियर बैलेंस्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्किन एजिंग एंड UVA एंड बर्निंग UVB रेज। ड्राई टच टेक्नोलॉजी गिव्स एन अल्ट्रा लाइट एंड नॉन शाइनी फिनिश। दिस लाइट वेट सनस्क्रीन हैज अ लाइट फ्रेश सेंट एंड इज जेंटल इनफ इवन फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो। सो येस, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉर एवरी स्किन टाइप, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ, इसके बारे में मैं सारी चीजें पढ़ चुकी हूँ दोस्तों। चलिए, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, थिक एंड वेरी वेरी वाइट। सो दिस इज द पेस्ट, मैं आपको दिखा रही हूँ मसाज करके। तो ये लिटिल बिट वाइट वाइट तो है ही, बट जब आपको स्किन में यू नो आप इसको ब्लेंड करते जाओगे ना, तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई एक हैवी, बहुत हैवी सनस्क्रीन लगा रखा है जो आपको सन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। तो बिल्कुल ये लड़के लड़कियाँ सभी के लिए है, आप देख रहे हैं, दिस इज़ ग्रेट प्रोडक्ट। और साथ ही आपकी स्किन को उतना ही हाइड्रेट करेगा जितनी की यू नो नेसेसरी है, जितना हाइड्रेशन आपकी स्किन के लिए ऑल डे, देख रहे हैं, बिल्कुल ही वैसा नहीं है जैसे यू नो होते हैं सनस्क्रीन की बिल्कुल एकदम से वाइट वाइट या शाइनी शाइनी या इतना ज़्यादा हाईली हैवी होता है उनका जो पेस्ट होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो आप इसे बिल्कुल बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस साल बेस्ट सनस्क्रीन का अवार्ड मिला है नायका ब्यूटी अवार्ड्स की तरफ से, नायका फेमिना अवार्ड्स की तरफ से। सो इसलिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा एंड एवरी स्किन टाइप प्रोडक्ट है, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है, नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है, कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्बिनेशन स्किन जैसे कि मेरी है उसके लिए भी बेस्ट है। तो बिल्कुल ये सबके लिए बेस्ट है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट सनस्क्रीन यू नो फॉर समर्स फॉर एवरीवन। ये चिल्ड्रन भी इसे लगा सकते हैं। सो जी हाँ, ये मेरा रिव्यू है। एंड आप देख रहे हैं, दिस इज टोटली नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली, वेरी जेंटल। और क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही लगाएं सनस्क्रीन की, आंखों के आसपास ना लगाएं और धूप में जाने से पहले चश्मा ज़रूर लगाएं, बिकॉज चश्मा कोई एक फैशन ट्रेंड नहीं है, वो आपकी आईज को सनबर्न से भी बचाता है, ये मेरा पर्सनली मानना है, तो जो मैंने आपको बता दिया। जी हाँ, तो अगर आपको, और ये स्टे करेगा आपको यू नो 6 से 8 घंटे, बट फिर भी आप इसको रीअप्लाई कर सकते हो, आप इसकी छोटी पैकेजिंग
साथ रख सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी माइल्ड है कि आपको ना हेडेक होगा ना कोई प्रॉब्लम होगी, और जिनको फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है उनको तो अच्छी लगेगी, जिनको नहीं पसंद होती है उनको भी इसकी फ्रेग्रेंस बुरी नहीं लगेगी क्योंकि बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस के साथ आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, एंड मेरी अदर वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपकी जो रिक्वेस्टेड वीडियोज़ हैं उनको मैं टाइम टाइम पे यू नो अपलोड करती रहूँगी। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक साथ करना, उसके लिए सॉरी अबाउट दैट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।